कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भीषण हादसा हुआ है और ये हादसा कोई सड़क दुर्घटना या और चीज़ों से नहीं बल्कि आंधी तूफान के कारण है और इसमें हाई प्रोफाइल लोग भी मार गए हैं। जी हां, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के कोरामंगला एरिया में मंगलवार सुबह तड़के एक हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। आदुगोडी पुलिस स्टेशन की ओर से बताया जा रहा है कि दुर्घटना में कार के परखच्चे उड़ गए। जी हाँ, ये कार दुर्घटना इसलिए हुई क्योंकि वहाँ पर आंधी तूफान के कारण ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया। पुलिस के अनुसार मृतकों में तमिलनाडु के होसूर जिले के द्रमुक विधायक प्रकाश वाई के पुत्र व उनकी पत्नी बिंदु की भी जान चली गई है। अन्य पीड़ितों की पहचान इसीता, धनुष, अक्षय, गोयल और रोहित के रूप में हुई है। इन सभी की उम्र लगभग 20 से 30 साल बताई जाती है। इस हादसे के बाद आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। पुलिस के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त ओडी कार की आगे वाली सीट पर 3 लोग बैठे थे, वहीं पिछले सीट पर 4 लोग थे। पुलिस ने बताया कि किसी भी यात्री ने सीट बेल्ट भी नहीं लगा रखा था। 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक ने बेंगलुरु स्थित संत जॉन्स अस्पताल में दम तोड़ दिया। जी हाँ, आप भी याद रखिए, इसलिए हमेशा से लोग कहते हैं कि कहीं भी जाएं सीट बेल्ट जरूर बांध कर रखें। अगर ये लोग सीट बेल्ट बांध कर रखे होते तो दुर्घटना जरूर होती लेकिन मौत से शायद बच सकते थे। आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहीं भी जाएं सीट बेल्ट और हेलमेट जरूर लगा कर रखें। नमस्कार।